नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर के मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी महंगाई की मार। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया भाड़ा बढ़ाने का ऐलान। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने का ऐलान किया है। रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया है कि जल्द ही भाड़ा बढ़ाया जाएगा और इसकी सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन व्यवसाय को आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यवसाय कैसे चलाया जाए यह बड़ी चुनौती है। संगठन के सचिव नीरज ग्रोवर ने बताया है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों में असमंजस की स्थिति है। डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जो है व्यापारी असमंजस की स्थिति में है। कीमत कब स्थिर होंगे यह भी समझ नहीं आ रहा है। यहां तक कि व्यापार बंद होने की नौबत में आ गई है। डीजल के दाम लगातार बढ़ने से उनका व्यवसाय घाटे में जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक इंटर आर्ट्स का मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इंटरमीडिएट आर्ट्स का मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। इंटर आर्ट्स के परीक्षार्थियों के लिए पहली बार मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व राजनीतिक शास्त्र विषय का प्रश्न पत्र जारी किया गया है। विद्यार्थी जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर प्रश्न पत्र देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो एक से खुलेंगे कोचिंग, सिनेमा घर, पार्क व सातवीं से ऊपर की कक्षाएं। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 11 महीने बंद झारखंड के स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने कॉलेज, कोचिंग संस्थान और पार्क और सिनेमा घर खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि जुलूस पर रोक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि 23 मार्च से ही लॉकडाउन की वजह से राज्य में प्रशिक्षण संस्थान और प्रतिष्ठान आदि बंद हो गए थे। हालत काबू में आने के बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने को स्वतंत्र। 1000 लोगों के साथ मेला लगाने की अनुमति, इन्हें खोलने की छूट मिली है। कोचिंग, कॉलेज, आईटीआई संस्थान गाइडलाइन के अनुरूप खुलेंगे। वही पार्क, सिनेमा हॉल, कौशल विकास केंद्र भी खुलेंगे। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे पर सेविका को लेना होगा टीका। स्टेडियम में खेल का आयोजन होगा पर दर्शक 1000 ही होंगे। वही स्विमिंग पूल केवल खिलाड़ियों के लिए खोलने की अनुमति मिली है। वही मेला और प्रदर्शन लगाने की अनुमति मिली है, अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। वही जो है सभी सरकारी कार्यालय में 100% उपस्थिति अनिवार्य और रोस्टर को समाप्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशन पर कोविड सैंपल लेने की व्यवस्था होगी। वही जुलूस पर रोक जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विश्वविद्यालय में 2500 सहायक प्रधानाध्यापकों व 1000 कर्मियों की होगी बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापकों और शिक्षेत्तर कर्मियों की रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियुक्ति की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। यह नियुक्ति वर्तमान झारखंड लोक सेवा आयोग में वर्तमान में चल रही वर्तमान नियुक्ति से अलग होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में अभी सहायक प्रधानाध्यापकों के लगभग 2500 पद पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड के सिमडेगा जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन का मौका मिला है। सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। इसी को देखते हुए हॉकी इंडिया ने जिले को यह मौका दिया है। जिले में पहली बार भारतीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 10 मार्च से होगा। इसमें 27 राज्यों की टीम भाग लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी उद्घाटन समारोह में शरीक हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज दिन भर बादल छाए हैं, शाम में बारिश के असर हैं। कल से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह से ही बादल छाए हैं, हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हुई है। देर शाम बारिश के असर है। वहीं रांची के आसपास इलाके में वज्रपात की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रांची समेत झारखंड के मौसम में 20 फरवरी से बदलाव आएगा। आसमान साफ हो जाएगा, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की उम्र सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव का एसोसिएशन ने किया विरोध। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 67 से 70 साल करने की तैयारी में है, लेकिन इस प्रस्ताव का एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। रिम्स टीचर एसोसिएशन के इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झारखंड सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी दूर करने के बजाय जो है उसी से काम चलाने की बाकायदा
कर रही है, जहां एक और डॉक्टरों को बढ़ावा देने के लिए नया मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल सीट बढ़ाई जा रही है और दूसरी ओर सीनियर डॉक्टरों का आयु सीमा बढ़ाई जा रही है। इससे युवाओं को कब और कैसे मौका मिलेगा? अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवा भारती 21 को कृषि मेला का करेगी आयोजन, 24 गांवों के किसान होंगे शामिल। रांची में सेवा भारती की ओर से रविवार यानी 21 फरवरी को जोना के सेवाधाम में किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को मेला और आयोजन की अनुमति मिल गई है। इस मेले में 24 गांवों के किसान शामिल होंगे और ये अपने कृषि उत्पाद की जो है प्रदर्शनी लाएंगे। साथ ही किसान जो है संगोष्ठी, चिकित्सक शिविर और स्कूल बच्चों के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो है सेवा भारती के अखिल भारतीय सह जो है सेवा प्रमुख राजकुमार जो है मार्टेल होंगे। वही विशिष्ट अतिथि झारखंड के लोक कलाकार जो है प्रशिष्ट मुकुंद नायक होंगे। किसान जो है संगोष्ठी का उद्घाटन रेशमी बोर्ड के निर्देशक डॉक्टर निरंजन कुमार करेंगे। किसान मेला में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेती बाड़ी की भी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 फरवरी से खुलेंगे सभी प्राइवेट व सरकारी आईटीआई। झारखंड के सभी जो है निजी और सरकारी आईटीआई को खोलने की अनुमति दे दी गई है। झारखंड सरकार ने 25 फरवरी से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण में कमी के बाद कई जरूरी निर्णय लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 37 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें से बोकारो में 2, पूर्व सिंहभूम में 10 और रांची से 26 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरी ओर राज्य में 37 कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13,198 सैंपल की जाँच हुई, जिसमें से जो है 0.28% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक जो है 53,97,226 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें से जो है 119,477 संक्रमित मिल चुके हैं। वही जो है 117,926 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वही 1,084 की मौत हो चुकी है और इस समय एक्टिव केस जो है 467 हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माँ भद्रकाली के दर्शन को पहुंच रघुवरदास, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवरदास शुक्रवार को ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए इटखोरी पहुंचे। इटखोरी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर जो है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उत्साहित नजर आए। मंदिर परिसर में पहुंचकर पूर्व सीएम ने स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह तथा सिमरिया के विधायक किशन कुमार दास के साथ पूरे विधि विधान के साथ जो है माँ भद्रकाली की पूजा की। पूजा के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन काफी शुभ है, प्रदेश व देश में सुख शांति कायम रहे, इसी कामना के साथ माँ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।